अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको आपके अपने ही चैनल टेक्निकल शमीम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जिनमें कामयाब जवान प्रोग्राम शामिल है। तो आप अपने एप्लीकेशन जब आप लोगों ने अप्लाई किया था तो क्या आपको जवाब मिला, क्या मैसेज मिला या नहीं मिला, यानी आपकी एप्लीकेशन सबमिट हुई है या नहीं हुई है, आपका क्या सीन चल रहा है। तो हम देखेंगे ये सब इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में यही लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और उस लिंक पर क्लिक करते हुए इस साइट पर आ जाना है। तो मैं जूम करके आपको दिखाता हूं। जैसे ही मैंने साइट को ओपन किया है तो यहां आ चुका है वज़ीरे आज़म कामयाब जवान यूथ इंटर्नशिप स्कीम में आपकी भरपूर दिलचस्पी का शुक्रिया। दरख्वास्तों के असूल का पहला मरला मुकम्मल किया जा चुका है। दूसरे मरले से मुतल्लिक मालूमात के लिए वेबसाइट विज़िट करिए, मतलब, और इसको मैं आप क्लोज़ कर देता हूँ। उनके कहने का मतलब है कि भाईजान, ये पहला मरला मुकम्मल हो चुका है, दूसरे मरले के लिए आप यहाँ इस वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। तो आपने देखा, ये आपके सामने ओपन हो जाएगी साइट। जब ये साइट ओपन होगी तो यहाँ ये ट्रैक का ऑप्शन आ रहा है, आप ये देखें, मैं जूम करता हूँ, ये आ गया ट्रैक, ठीक है, ट्रैक योर लोन एप्लीकेशन, यानी आप जो आपने लोन एप्लीकेशन सबमिट करी थी उसको ट्रैक करना है आपने। तो आपने दोस्तों ट्रैक पर क्लिक करते हुए इस साइट पर आ जाना है। जैसे ही नेक्स्ट आप मूव करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा, देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम चल रहा है दोस्तों। अभी ये फॉर्म जैसे ही ओपन होता है, तो आपके सामने ये साइट ओपन हो जाएगी कामयाब जवान। यहाँ जब ये आप ट्रैक पर क्लिक करते हुए वहाँ यहाँ पहुँच जाएंगे तो आपने अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ ऐड करना है। सब डाटा ऐड करने के बाद आपने सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सबमिट पर क्लिक किया तो मेरे पास सामने ये फॉर्म आ चुका है और यहाँ एप्लीकेंट का शनाख्ती कार्ड नंबर, नाम सब कुछ आ चुका है, और उसके बाद मेरा नाम, मतलब डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ आ चुका है। अब नेक्स्ट स्क्रॉल करता हूँ तो वहाँ आ जाता है मेरे बैंक का नाम कि मैंने किस बैंक से रकम लेनी है, यानी जब मैं अप्लाई किया था उस वक्त पर मैंने कौन सा बैंक नाम दिया था। तो मेरी जो करंट स्टेटस है एप्लीकेशन का, वो सबमिट हुआ है, मतलब फेज़ टू के लिए, मैं पहले के लिए, फ़र्स्ट के लिए आपने अप्लाई किया था तो मैं दूसरे के लिए एल हो चुका हूँ। जब मैं तो मेरा ये फॉर्म सबमिट हो चुका है। उसके बाद मैंने कितनी रकम के लिए अप्लाई किया था, 1 लाख के लिए, यानी 1 लाख के लिए मैंने अप्लाई किया था, और जो इसकी अमाउंट है, क्या ये अप्रूव हुई है या नहीं, ये अभी कुछ इन लॉकडाउन की वजह से, छुट्टियों की वजह से नहीं हो सका। लिहाजा आप बस यही अंदाज़ा लगाएं कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हुई है। तो इससे यहाँ अंदाज़ा लगाएं, अगर आपकी एप्लीकेशन, आपका स्टेटस वगैरह कुछ नहीं आता है तो आपने आपकी एप्लीकेशन का या कुछ लिखने का अंदाज़ आपका गलत हो सकता है, तो आपने दुरुस्त ऐड करना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल हो तो आपने कमेंट्स बॉक्स में मुझसे डिस्कस ज़रूर करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।